गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी तक बेटा हम लोगों ने अपना हौसले की दौड़ का लेसन कंप्लीट किए ना पूरा, तो एक बार शॉर्ट में फिर से पूरा बता दे रहे हैं अच्छे से कि क्या है हौसले की दौड़ में। तो ये किसके ऊपर ये कहानी है? बुधिया नाम के एक लड़के को के ऊपर, जिसे उसकी माँ ने, कौन, श्रीमती सुकांति सिंह ने, किसमें, गरीबी की हालत में क्या किया था बेटा, उसको बेच दिया था एक व्यक्ति को 800 रुपए में अपने घर के बच्चों और तीन बहनों का पेट पालने के लिए। और बुधिया को फिर उसे किसने खरीद लिया था, एक व्यक्ति से जहाँ बेची थी वहाँ से उसे किसने खरीदा, बिरंची दास। बिरंची दास कौन थे? ये एक जूड़ो के प्रशिक्षक थे। तो बिरंची दास ने उसे क्यों खरीदा? क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि इस बच्चे के अंदर प्रतिभा है, लगन है कोई, उसकी लगन को देखते हुए उन्होंने उसे फिर से खरीद लिया। और उस बच्चे को दौड़ने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। फिर एक बार किसी गलती के कारण, वह अन्य बच्चों को परेशान कर रहा था, उसी गलती के कारण उसे क्या, कौन सी सजा दी थी बिरंजी दास ने, कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप दौड़ते ही रहना। और बिरंची दास उस छोटी सी सजा को देकर भूल गए। और कब तक भूल गए? उन्हें 5 घंटे बाद याद आया कि मैंने उसको, उस छोटे से बालक को, कोई सजा दिया। और वो बच्चा, उसके अंदर इतनी लगन थी कि वो 5 घंटा क्या हुआ, दौड़ता ही रहा ना। फिर उसी लगन को देखकर नन्हे बुधिया को कब 4.5 साल की उम्र में ही 2006 में क्या किया उस बच्चे ने, लगातार की दौड़ में, मैराथन की दौड़ में 65 किलोमीटर की दूरी केवल 7 घंटे 2 मिनट में उसने तय कर ली थी और पूरे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। फिर देश का नाम रोशन करने के लिए हौसले की दौड़ दौड़ने वाला नन्ना बुधिया हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक बेटा, अब लेसन सबको समझ में आ गया। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखिए, होमवर्क में लेसन नंबर 2 डाल के आप सब लोग पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर पर्यायवाची, फिर विलोम, और एकदम अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे, जिससे बाद में कॉपी चेक करने में और आपको पढ़ने में भी आराम रहे। हौसला का क्या होगा बेटा? हिम्मत। देहांत, देहांत मीन्स क्या है? मृत्यु। पारखी, पारखी मीन्स क्या है? परख लेने वाला। पारखी मीन्स परख लेने वाली। कोच, प्रशिक्षक। मोहताज, निर्भर। दैनिक, प्रतिदिन की। प्रतिभा, योग्यता। धुन, लगन। अशिक्षित, अनपढ़। स्थानीय क्या है? उसी स्थान के। प्रशिक्षण, सीख, ट्रेनिंग। आश्चर्यचकित, हैरान। ठीक बेटा, अब देखिए आइए पर्यायवाची शब्द। सबको मालूम पर्यायवाची में क्या होता है? एक से ए दो अर्थ जिसमें मिल जा रहे हैं हम लोगों को। माँ का क्या है? देखिए, माता, जननी। शब्दार्थ में एक अर्थ लिखते हैं हम लोग, पर्यायवाची में क्या लिखेंगे? एक से अधिक अर्थ। हौसला का, हिम्मत, साहस। संसार, दुनिया, जगत। आश्चर्य का, अचरज, अचंभा। फिर से एक बार पढ़ लेने दे रहे हैं। देखिए, माँ का क्या होगा बेटा? माता, जननी। हौसला का क्या होगा? हिम्मत, साहस। संसार का, दुनिया, जगत। आश्चर्य का, अचरज, अचंभा। ठीक बेटा, अब चलते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द में क्या होगा? देखिए, जन्म का, मृत्यु, या अपोजिट है। विलोम तो बता दिए ना आप लोगों को, या अपोजिट, जन्म का, मृत्यु। गरीब, अमीर। कठिन, सरल। अशिक्षित, शिक्षित। उसका उल्टा लिखना है। देखिए क्या है? जन्म का, मृत्यु। गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर। कठिन का, सरल। अशिक्षित का, शिक्षित। ठीक बेटा, तो ये पूरा आप लोग इतना होमवर्क, लेसन का नाम डाल के इतना होमवर्क कंप्लीट कर डालेंगे। पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर पर्यायवाची, फिर विलोम। तो कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अपना फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।